रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज़ वन ऑफ द लेसन फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इस लेसन में हम लोग मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्टडी ऑफ पोइट्री और इसका सब टॉपिक जो है जो हमारा अंडर डिस्कशन होगा वो होगा फंक्शन ऑफ पोइट्री। तो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में बता दूं, एज अ क्रिटिक हम लोग इसको एज अ पोइट पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्रिटिक था, बेसिकली ही वॉज अ क्रिटिक। तो लेकिन इसका जो है इसकी फेम या इसकी जो स्पेशलिटी ये है स्टूडेंट्स के इससे पहले क्रिटिसिज्म जो लिखा जाता रहा, इससे पहले जो क्रिटिसिज्म किया जाता रहा वो थोड़ा सब्जेक्टिव और पर्सनल था। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट, तो उसने जो क्रिटिसिज्म लिखा है स्टूडेंट्स उसने अपनी पोइट्री को, अपनी काइंड ऑफ पोइट्री को जो है वो डिफेंड किया है कि अगर वो क्लासिकल से हट के पोइट्री करने जा रहा है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि अगर वो यूज़ कर रहा है लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसका सब्जेक्ट कॉमन मैन है तो वो क्यों है, तो वो डिफेंड कर रहा है अपनी पोइट्री को। तो इसका थोड़ा हम कह सकते हैं कि वो पर्सनल हो जाता है। तो बाकी सारे जो क्रिटिक्स थे उनका जो काम था वो सब्जेक्टिव और पर्सनल टाइप का था, लेकिन ये एक पहला क्रिटिक था। इससे पहले जो सबसे पहला क्रिटिक माना जाता है वो तो ड्राइडन को माना जाता है, लेकिन फिर भी ये एक पहला क्रिटिक था जिसने प्रिंसिपल सेट कर दिए थे कि किस किन प्रिंसिपल्स की बेस पर पोइट्री को क्रिटिसाइज किया जाए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से उसने आने वाले क्रिटिक्स के लिए भी रूल सेट कर दिए थे। इसने पोइट्री को लाइफ के साथ रिलेट करके क्रिटिसाइज किया है, लाइफ के साथ उसका रिलेशनशिप बना दिया। तो इसका क्रिटिसिज्म पर्सनल नहीं है, बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में एक बड़े फेमस व्यूज हैं, देखें, मिस्टर आर्नोल्ड डिड नॉट मेयरली क्रिटिसाइज बुक हिमसेल्फ, ही टॉट अदर्स हाउ टू क्रिटिसाइज, ही लेड डाउन प्रिंसिपल्स, इफ ही डिड नॉट ऑलवेज कीप द प्रिंसिपल्स ही लेड डाउन, नोबडी आफ्टर रीडिंग एसेज इन क्रिटिसिज्म हैज एनी एक्सक्यूज फॉर नॉट बीइंग अ क्रिटिक। स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये बुक को क्रिटिसाइज करता है बल्कि दूसरों को भी सिखाता है कि कैसे क्रिटिसिज्म करना है, कैसे चीज को क्रिटिकली स्टडी करना है। तो ये एक एक्चुअली फंक्शन भी होता है, क्रिटिक का काम भी यही होता है कि वो क्रिटिसाइज इस तरह से करे कि उसके लिए वो दूसरों को क्रिटिसाइज करना सिखा दे कि किस तरह से आपने किसी टेक्स्ट को पढ़ते हुए क्रिटिकली उसकी रीडिंग करनी है। तो ये इसकी मैथ्यू आर्नोल्ड की स्पेशलिटी थी। स्टूडेंट्स अब हम इसके फंक्शन ऑफ पोइट्री को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, आर्नोल्ड्स व्यूज अबाउट पोइट्री आर एलैबोरेटली स्टेटेड इन हिज स्टडी ऑफ पोइट्री व्हिच फर्स्ट अपीयर्ड इन एन इंट्रोडक्शन टू एसी वार्ड्स सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश पोइट्स। स्टूडेंट्स इसका जो व्यूज पोइट्री के बारे में वो सबसे पहले स्टडी ऑफ पोइट्री जो इसकी बुक है उसमें उसने जो है वो जो लिखे थे वो सबसे पहले एसी वार्ड ने अपने बुक सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश पोइट्स, यानी कि उसमें इंग्लिश पोइट्स के सिलेक्शन जो की थी, उन इंग्लिश पोइट्स का जो काम सिलेक्टेड काम उसने शामिल किया था उसमें इसके जो है व्यूज़ उसमें शामिल किए गए हैं, बहुत डिटेल से उनको बयान किया गया है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड जो पोइट्री है वो उसकी एक बहुत खास मंजिल है, ठीक है, ये हमारी जो है नस्लों की बका में, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें पोइट्री में हमारी नस्लों की बका है, हमारी नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें पोइट्री की वजह से हमेशा स्टे करेंगी, पोइट्री की वजह से ये हमारी आने वाली नस्लें जो है वो मोरालिटीज को फाइंड करती रहेंगी। और ये उसके अकॉर्डिंग पोइट्री में ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये हमें कंसोल कर सकती है और लाइफ को हमारे लिए इंटरप्रेट करती है, हमें बताती है कि हमने कैसे जीना है, ठीक है, ये इसमें एक पोइटिक ट्रूथ है। तो स्टूडेंट्स पोइटिक ट्रूथ के बारे में तो आप जानते हैं ना कि हम लोगों को, ये अरिस्टोटल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, पोइटिक ट्रूथ क्या है कि पोइट्री, उसने अरिस्टोटल ने कहा था कि पोइट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इसको हम हाई रैंक पे रखेंगे, इवन ये फिलोसफी से भी ज़्यादा जो है वो हाई रैंक पे रखी जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो
अंदर से ये इंसान को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ को अंदर से उसके दिल से देखती है, ठीक है। तो यही इसका पोइट्रिक ट्रूथ होता है। स्टूडेंट्स, ही इज कॉन्फिडेंट दैट पोइट्री हैज इमेंस फ्यूचर। इट इज इन पोइट्री वेयर इट इज वर्थी ऑफ इट्स हाई डेस्टिनीज। आवर रेस एज टाइम गोज ऑन विल फाइंड एन एवर श्योरर एंड श्योरर स्टे। इट इज कैपेबल ऑफ हायर यूजेस, इंटरप्रेटिंग लाइफ फॉर अस, कंसोलिंग अस एंड सस्टेनिंग अस। That is, it will replace what we understand by religion and philosophy, dependent on reasoning, which are but false show of knowledge. Poetry with such a high destiny must be of the highest standard. तो स्टूडेंट्स वो यहाँ तक कह रहा है कि ये फ्यूचर में ऐसा होगा कि ये पोइट्री रिप्लेस कर देगी रिलीजन को और फिलोसफी को, क्योंकि रिलीजन और फिलोसफी में एक स्टैंडर्ड सेट है कि ऐसे ऐसे मतलब रूल्स रूल बाउंड चीज़ें हैं ये। लेकिन पोइट्री क्या करती है कि पोइट्री अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन लाइफ को क्रिटिसाइज करती है, अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशंस रूल सेट करती है कि हाउ टू लिव अ लाइफ, ठीक है। उसमें पहले से कोई रूल सेट नहीं है, तो जैसे जैसे जिंदगी के हालात चेंज होते जाते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंज होती जाते हैं, ऐसे ऐसे जो है वो पोइट्री की जो पोइट्री लाइफ के साथ रिलेट करती है उसका सब्जेक्ट वैसे वैसे चेंज हो जाता होता जाता है, रूल्स वैसे वैसे चेंज हो जाते जाते। इसलिए वो कहता है कि रिलीजन और फिलॉसफी को एक दिन ये जो है वो रिप्लेस कर देगी, क्योंकि रिलीजन और फिलॉसफी रीजनिंग पे बेस करते हैं, ठीक है। लेकिन पोइट्री दिल पे बेस करती है, पोइट्री इमोशंस पे, अंदर आपकी अंदर का जो सच्चाई है उस पे बेस करती है, ठीक है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि चूंकि पोइट्री जो है, लेकिन वो साथ में एक प्रिंसिपल दे रहा है कि पोइट्री इस तरह की पोइट्री जिसके बारे में वो ये कह रहा है कि ये रिलीजन और फिलॉसफी को रिप्लेस कर देगी, उसको बहुत हाई स्टैंडर्ड का भी होना चाहिए। अब हाई स्टैंडर्ड क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। आर्नोल्ड सेज दैट पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इट इज इन पोइट्री दैट द स्पिरिट ऑफ आवर रेस विल फाइंड इट्स लास्ट सोर्स ऑफ कंसोलेशन एंड स्टे। पोइट्री ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी नस्लों को आखिरी नस्लों का जो है ना वो आखिरी सोर्स है ये हमारी नस्लों की बका का, इसी से हमारी नस्लों की बका है। आर्नोल्ड एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एज अ नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ एंड लॉज ऑफ पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी एज ट्रूथ एंड सीरियसनेस टू सब्सटेंस एंड मैटर एंड फ्लेसिटी एंड परफेक्शन ऑफ डिक्शन एंड मैनर। तो वो स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि पोइट्री इस तरह की पोइट्री जो है जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होती है इस तरह की पोइट्री का एक स्टैंडर्ड होता है। वो क्या स्टैंडर्ड होता है, इसमें पोइटिक ट्रूथ होता है, पोइटिक ब्यूटी पाई जाती है, सीरियसनेस टू सब्सटेंस यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो सीरियस होता है, ट्रू सब्जेक्ट होता है, कोई फॉल्स सब्जेक्ट नहीं होता। जिंदगी की जो रियलिटीज हैं ये इसका सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। और इसमें डिक्शन और जो है वो मतलब डिक्शन यू नो लैंग्वेज और इसका मैनर एक्सप्रेस करने का जो है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस मैटर और ये जो डिक्शन है मैनर है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका एक जो है वो थीम लॉफ्टी है तो उसको यूज कर उसको बयान करने के लिए लॉफ्टी लैंग्वेज भी यूज होगी। तो ये दोनों जो है ना वो अल्टीमेटली ये दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड पोइट्री प्लेज एन एमिनेंट रोल इन लाइफ। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन रिलीजन पोइट्री देयरफॉर शुड बी अ रियल क्लासिक। अब ये अगेन कह रहा है कि ये रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर अगर ये रिलीजन से इंपॉर्टेंट है तो इसको रियल सेंस में क्लासिक होना चाहिए, बहुत हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। एक्सीलेंस ऑफ पोइट्री लाइज बोथ इन द मैटर ऑफ सब्सटेंस एंड इन इट्स मैटर मैनर ऑफ स्टाइल। अब ये कहते हैं कि पोइट्री की जो है एक्सीलेंस वो किस चीज में है, पोइट्री की एक्सीलेंस इसके मैटर में और इसके मैनर में है। मैटर और मैनर को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट और द वे ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज विच इज यूज टू एक्सप्रेस द मैटर, ठीक है। इसमें इसकी जो है वो एक्सीलेंस है, बट मैटर एंड स्टाइल मस्ट हैव द एक्सेंट ऑफ हाई ब्यूटी वर्थ एंड पावर। तो स्टूडेंट्स कहना उसका ये है कि मैटर और स्टाइल जो है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए पोइट्री का। तो स्टूडेंट्स आर्नोल्ड
एक्चुअली अपने दौर की पोइट्री से सेटिस्फाई नहीं था, उन पोइट्स से सेटिस्फाई नहीं था। वो क्यों नहीं था सेटिस्फाई? क्योंकि ही फेल्ट दैट पोइट्स पेड मोर अटेंशन टू द एक्सप्रेशन देन द सब्जेक्ट। यानी कि वो एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे थे, जबकि सब्जेक्ट जो है वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, और ये पोइट्स क्या कह रहे थे, उसके दौर के पोइट्स क्या कह रहे थे, वो सब्जेक्ट, वो एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन को जो है फोकस कर रहे थे। क्या करते थे, कलरफुल पोइट्री के जरिए रीडर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे और उसके सब्जेक्ट मैटर तवज्जो नहीं देते थे। तो मतलब ये कि काम की तरफ तवज्जो नहीं थी उस, उनका जो है वो अपनी पोइट्री को रंगीन बना के दिखाना ताकि रीडर की अट्रैक्शन हासिल कर की जा सके, जबकि उसका अंदर का कोई पर्पस नहीं होता था, उसमें सब्जेक्ट कोई नहीं होता था, उसमें मोरालिटीज का कोई पहलू नहीं निकलता था। तो इस तरह की पोइट्री के आर्नोट बिल्कुल अगेंस्ट था। तो उसके उसका कहना ये है कि अगर पोइट्री का सब्जेक्ट ऑनेस्ट है, यानी कि पोइट्रिक ट्रूथ मौजूद है, तो ब्यूटी जो है वो ट्रूथ, ब्यूटी जो है वो डिक्शन में खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन एक्शंस आर द बेस्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री। द एंशियंट टू हिम वर बेटर पोइट्स देन द मॉडर्न बिकॉज दे रिगार्डेड द होल, वी रिगार्ड द पार्ट। विद देम द एक्शन प्रीडोमिनेटेड ओवर द एक्सप्रेशन, विद अस द एक्सप्रेशंस प्रीडोमिनेट्स ओवर द एक्शन। उसका कहना है कि जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर होने चाहिए, और एंशियंट जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे क्लासिकल्स थे, वो जो हैं वो बेहतरीन पोइट थे, क्योंकि क्योंकि वो ऑन द होल लेते थे चीज़ को और हम पार्ट को लेते हैं। वो ऑन द होल लेते थे यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर को भी लेते थे और उनकी डिक्शन भी बहुत आला होती थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पार्ट को लेते हैं, लेकिन यानी कि हम अपनी डिक्शन को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी डिक्शन को ऑर्नामेंटल करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं, बहुत सारे वो जो एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, साउंड डिवाइसेस यूज करके उसको रिदमिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि रीडर इसको पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम होल पर तवज्जो नहीं देते। तो उनके लिए जो है वो एक्शन एक्सप्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो था वो इंपॉर्टेंट था, जबकि हमारे लिए जो है एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन के रह गया। तो ये फर्क है, और इस तरह की जो पोइट्री है वो हरगिज भी क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, एक पोइट्री जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होगी उसके लिए उसको बहुत जो है वो सारे रूल्स को देख के लिखा जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पोइट्री इज टू आर्नोट वट इट वॉज टू वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ और पोइट्री आर्नोट के व्यूज एक जैसे हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। वर्ड्सवर्थ के भी अकॉर्डिंग द ब्रेथ एंड स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, पोइट्री जो है ना वो सारे नॉलेज की जो है वो असास बुनियाद थी। तो इसी तरह जो है वो आर्नोट भी कहता है कि पोइट्री ही रूह है सारे नॉलेज की। ठीक है, द ग्रेटनेस ऑफ पोइट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटिफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ टू द क्वेश्चन हाउ टू लिव। स्टूडेंट्स कहते हैं कि पोइट्री की जो ग्रेटनेस है या पोइट की ग्रेटनेस है वो इस चीज़ में है कि वो अपने आइडियाज़ को जो किस तरह से अपनी लाइफ के आइडियाज़ को अपनी पोइट्री में कैसे अप्लाई करता है, कितनी ब्यूटीफुली अप्लाई करता है, लाइफ से आइडिया लेना है, सब्जेक्ट लेना है और उसके उसको अपनी अपनी पोइट्री में अप्लाई करना है अपनी डिक्शन के थ्रू, और कितनी ब्यूटीफुली अप्लाई करना है। और इसके वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब देती है कि हाउ टू लिव, ये हमें बताती है कि कैसे जिंदा रहना है। ठीक है, तो इन पोइट्री द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ हैज टू बी मेड कन्फर्मेबली टू द लॉज ऑफ पोइट्रिक ट्रूथ एंड पोइट्रिक ब्यूटी। तो ये जो है वो अगेन वो यही बात कर रहा है कि अगर पोइट्री कोई स्टैंडर्ड की लाना है स्टैंडर्ड तक लाना है तो इसमें पोइटिक ट्रूथ और पोइटिक ब्यूटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, पोइटिक ट्रूथ मतलब ये कि वो अंदर से शायर के दिल से जो है वो निकलना चाहिए। ठीक है, शायर अपनी शायरी में स्टूडेंट्स वही बयान करता है जिस पर वो खुद यकीन रखता है, और फिर जब वो खुद यकीन रखता है उस चीज़ पे, जब एक चीज़ पे आपको खुद बिलीव होता है तो वो अपने अंदर से बोलती है, फिर वो गहराई से बोलता है वो शायर उस चीज़ पे यकीन करने के बाद। और जब वो गहराई से बोलता है, अपने दिल से बोलता है, तो इस तरह खूबसूरत डिक्शन के साथ बोलता है, पोइटिक ब्यूटी आ जाती है। ठीक है, तो वो उसकी डिक्शन खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, पोइटिक ट्रूथ और पोइटिक ब्यूटी।
सब्जेक्ट मैटर एंड द एक्सप्रेशन सब जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो पोइट्री है उसके अकॉर्डिंग जो है आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग पोइट्री इंसान को जो है वो बेटर पहले से जब वो इंसान असल में पोइट्री का मकसद तब पूरा होता है स्टूडेंट्स, इस तरह की पोइट्री का जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। पोइट्री तो बहुत तरह की होती है, आज भी शायर कर रहे हैं, ठीक है। कोई उसमें जो है हमें मोरालिटीज का कोई वैल्यूज का जो है वो एलिमेंट नजर नहीं आता, लेकिन जो ऐसी पोइट्री जिसके बारे में आर्नोल्ड बात करता है कि इट इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो ऐसी पोइट्री जब कोई रीडर पढ़ लेता है तो वो पहले से ज्यादा जो है वो बेहतर अंदाज में सामने आता है, ठीक है। उसमें एक पॉजिटिव चेंज आता है, तो पोइट्री मेक्स अ मैन अ बेटर मैन, ठीक है। लेकिन इसका जो है वो टीच करने का जो अंदाज है स्टूडेंट्स वो साइंटिफिक नहीं है, ये इसका साइंटिफिक वे नहीं है, ये तो रूह को अपील करती है, ठीक है। ये रूह की इसलाह करके आपको मोरालिटीज की तरफ लेके जाती है। एट अनदर प्लेस ही सेज पोएट्री इंटरप्रेट्स इन टू वेज, इट इंटरप्रेट्स बाय एक्सप्रेसिंग विद मैजिकल फेलिसिटी द फिजियोगनोमी एंड मूवमेंट ऑफ द आउटर वर्ल्ड, एंड इट इंटरप्रेट्स बाय एक्सप्रेसिंग विद इंस्पायर्ड कन्विक्शन द आइडियाज एंड लॉज ऑफ द इनवर्ड वर्ल्ड ऑफ मैंस मॉरल एंड स्पिरिचुअल नेचर। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं इंटरप्रेट कैसे करती है लाइफ को पोइट्री जो है दो तरीके से इंटरप्रेट करती है। एक तो जो राइटर है वो अपनी एबिलिटी टू एक्सप्रेस जो है वो लेता है, दूसरा आउटर वर्ल्ड की मूवमेंट्स को लेता है, ठीक है। उसकी जो मैजिकल फेलिसिटी है पहले उसको लेता है और आउटर वर्ल्ड की मूवमेंट को लेता है और उनको ब्लेंड करके जो वो एक्सप्रेस करता है वो जो देता है अपनी जो है राइटिंग में उससे इंटरप्रेट होती है लाइफ, ठीक है, समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वो आर्ट और मोरालिटीज की बात करता है। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड मोरालिटी, ही सेज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, अ पोएट्री ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स मोरल आइडियाज इज अ पोएट्री ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स लाइफ। स्टूडेंट्स आर्नोल्ड का कहना है कि आर्ट में और मोरालिटीज में कोई फर्क नहीं है, इससे पहले जो मूवमेंट चलती रही, इससे पहले जो लोग बात करते रहे वो उनमें उनका कहना ये था कि पोइट्री इज द सोर्स ऑफ गेटिंग एस्थेटिक प्लेयर, पोइट्री जो है वो एस्थेटिक प्लेयर के लिए है। इसमें मोरालिटीज और बहुत सारे जो है वो क्रिटिक्स का लिटरेरी मैन का कहना यही है कि आर्ट जो है वो इट इज़ अ सोर्स ऑफ गेटिंग एस्थेटिक प्लेयर, इसका मकसद कोई है कोई जो है मोरालिटीज को प्रीच करना नहीं होता, लेकिन आर्नोल्ड का कहना है कि आर्ट में और मोरालिटीज में कोई फर्क नहीं होता। अगर आर्ट को आप मोरालिटीज के लिए पर्पस के लिए नहीं भी लिख रहे हो तो भी उसमें कोई ना कोई उसकी डिक्शन ऐसी होती है, उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, होने चाहिए, होती है नहीं होने चाहिए कि वो आपकी रूह को अपील करके खुद ब खुद उसमें चेंजेस ले आए, ठीक है। उसका कहना है कि ऐसी पोएट्री जो मॉरल आइडियाज के अगेंस्ट है वो लाइफ के अगेंस्ट है, ऐसी पोएट्री जिसमें मॉरल आइडियाज नहीं पेश किए जाते वो लाइफ के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं, और ऐसी पोएट्री जो इनडिफरेंट है मॉरल आइडिया से, जो गैर जानबदारी इख्तियार करती है मॉरल आइडिया से, इकदार से, वैल्यू से, वो जिंदगी से भी इनडिफरेंस जो है वो शो करती है। तो ऐसी पोएट्री जो मोरालिटीज अपने अंदर रखती है वही ट्रू सेंस में क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आर्नोल्ड्स थ्योरी ऑफ पोएट्री मे बी क्वेश्चनेबल इन डिटेल्स एंड ऑन माइनर पॉइंट्स, ऑन द होल वी कैन से दैट हिज व्यूज आर क्वाइट मैच्योर एंड आर इन हार्मनी विद मॉडर्न आइडियाज। स्टूडेंट्स आर्नोल्ड की पोएट्री कहीं कहीं पे क्वेश्चनेबल हो सकती है, माइनर पॉइंट्स इसके ऐसे हो सकते हैं कि जिस पे हम कह सकें कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी जगहों पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि इसके व्यूज बहुत मैच्योर हैं और ये एवरलास्टिंग है, ठीक है। मॉडर्न आइडियाज के साथ भी इनको रिलेट किया जा सकता है और इसके बाद आने आज के वक्त में भी हम इन आइडियाज को, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं और आज से बाद आने वाले वक्त में। Arnold was actually against romantic poetry in which the poets were expressing personal sentiments and emotions
without caring for the general human nature. So Arnold romantic poetry के guest क्यों था? क्योंकि वो अपने personal emotions की बात करते थे और जो generally human nature है उसके बारे में बात नहीं करते थे. तो students, जब आप एक sentiments, अपने sentiments और emotions के अंदर आके काम करते हो, तो आप ये नहीं देखते कि reader क्या पढ़ना चाह रहे हैं, कि वो reader पे वो poetry जो है वो उसको वो अपने ऊपर फील करता है या नहीं. पोइट्री का असल फंक्शन तो ये होता है ना कि आप जैसा लिखो उसमें उसका सब्जेक्ट मैटर ऐसा हो, उसकी डिक्शन ऐसी हो कि पढ़ने वाला खुद को उन्हीं एक्सपीरियंसेस, उन्हीं इमोशंस से गुजरता हुआ महसूस करे जो लिखते हुए एक राइटर पे तारी थे, एक पोइट पे तारी थे. तो लेकिन ये लोग जो है रोमांटिक्स तो बहुत पर्सनल होकर लिखते थे. इसी तरह जो है वो उसने इम्पर्सनैलिटी की थ्योरी भी दी है T.S. Eliot ने. तो इसलिए ये यहाँ पे आर्नोल्ड भी अगेंस्ट इसके जो है वो व्यूज दे रहा है कि रोमांटिक्स की पोइट्री जो है वो उस स्टैंडर्ड की पोइट्री नहीं है जिसको हम क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कह सकें. The greatest poets and philosophers of all age have believed that the ethical view of life is essential view of life, and Arnold also believed it. So, जो great poets हैं, philosophers हैं, उन सब का जो मानना है, वो एक ही point है, ये कि जो ethical views है life के, जो इखलाकियात हैं, जो इखलाकी नुक्ता नजर है ज़िंदगी का, वो सबसे ज़्यादा important है. ठीक है, और यही चीज जो है वो आर्नोल्ड भी इस पे बिलीव करते हैं. खास तौर पे आर्नोल्ड जिस दौर में ये क्रिटिसिज्म दे रहा है उस दौर में तो बहुत ज्यादा जो है ये एथिकल व्यूज एसेंशियल व्यू ऑफ लाइफ हो गए थे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एडवांसमेंट इन साइंस जो है ये वैल्यूज जो है इनको बिल्कुल क्रश कर दिया गया था, कुचल दिया गया था. तो उन दिनों में तो इन वैल्यूज की जरूरत ज्यादा जरूरत उनको हाईलाइट करने की जरूरत ज्यादा पड़ गई थी. तो इसलिए आर्नोल्ड ने ये सारे प्रिंसिपल्स, ये कि पोइट्री जो है अब जो आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क सामने आ रहा है वो इस तरह का नहीं है कि इसको हम क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कह सकें. देयरफॉर ही इंसिस्टेड ऑन द यूनियन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट एंड द हाईएस्ट एक्सप्रेशन इन पोइट्री. Only poetry of this sort can achieve its ultimate end. So, at the end, वो यही कहता है कि criticism of life poetry जो है उसमें best subject होना चाहिए, और best subject उसके बारे उसके ख्याल में human actions हैं. ठीक है, जो daily life में, normal life में लोग हैं उनके actions जो हैं, जो present circumstances हैं society के, जो prevailing evils हैं, वाइस हैं, वर्चूज हैं, वो सारे के सारे, यानी कि जो भी सोशल कंडीशंस हैं, जो भी ह्यूमन एक्शंस हैं, वो सारे के सारे बेस्ट सब्जेक्ट हैं. और फिर उनको हाईएस्ट एक्सप्रेशन इन पोइट्री, यानी कि उनको बहुत अच्छी डिक्शन से, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करके जो है वो एक्सप्रेस करना पोइट्री में. तो ये चीज़ जो है यही पोइट्री को उस एंड तक लेके जाती है, उस स्टैंडर्ड तक लेके जाती है जहाँ पे वो ये कह सकता है कि पोइट्री इज एक्चुअली द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. सो स्टूडेंट्स, ये सारा था फंक्शन ऑफ पोइट्री, के पोइट्री का फंक्शन क्या होता है. स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि पोइट्री का फंक्शन एक्चुअली लाइफ को क्रिटिसाइज करना होता है. ठीक है, इंसान को बताना होता है कि कैसे रहना है. तो ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो एक और हमारा टॉपिक रह गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. पोइटिक्स के बारे में बात करेंगे अरिस्टोटल की. तो उसके लिए आप प्लीज़ अगेन मैं आपसे कहूँगी देखते रहिएगा ताकि आपको जो है वो मिल जाए लेक्चर. टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. और आप कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आई है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो है पॉइंट्स क्लियर कर सकूँ. ओके देन, अल्लाह हाफिज़.